प्रमोशन के सिलसिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंची फिल्म ट्रिपल आर की टीम। एसएस रजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर जल्द रिलीज होने जा रही है। इसी कड़ी में फिल्म की पूरी टीम प्रचार प्रसार के सिलसिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंची। फिल्म के प्रचार प्रसार में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट तथा एसएस रजामौली कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। स्वाभाविक है, जिस तरह फिल्म इतनी भव्य है तो इसका प्रचार भी कुछ अलग और भव्य तरीके से होना ही चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म का प्रचार गुजरात में स्थित भव्य स्मारक स्टेचू ऑफ यूनिटी पर किया गया। दरअसल ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार जिस तरह यह स्मारक एकता का प्रतीक है, ठीक उसी तरह फिल्मी एकता को दर्शाती है। सुपरस्टार जूनियर एनटीआर रामचरण और एसएस रजामौली ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास खड़े होकर फोटो खिंचवा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए हस्ताक्षर भी किए। फिल्म की टीम ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा के फिल्म के प्रति सम्मान को और अधिक बढ़ा दिया है। बता दूं कि फिल्म ट्रिपल आर एक साथ कई भाषाओं में रिलीज होगी। सुपरस्टार जूनियर एनटीआर इस फिल्म में कोमाराम भीम की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। यह स्पष्ट है कि फिल्म अभिनेता ने रजामौली के निर्देशन में सभी पड़ावों को पार किया है। अभिनेता का शानदार डांस हो या खतरनाक स्टंट या फिर उनका निडर व्यक्तित्व, सभी दर्शकों का दिल जीतने के काबिल है। फिल्म में जूनियर एनटीआर, रामचरण तेजा, अजय देवगन तथा आलिया भट्ट जैसे कलाकार अपनी एक्टिंग के जलवे भी खेलेंगे। फिल्म ट्रिपल आर आगामी 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।